प्रणाम प्रणाम स्वामी। स्वामी, त्रयोदशी तिथि में आपके आलोकित होने का समय आ गया है। हाँ स्वामी, आलोक प्रसारित कीजिए स्वामी, अन्यथा विलंब हो जाएगा। हाँ स्वामी। हाँ करता हूँ। प्रकाश दिखाई तो दे रहा है, किंतु इन मेघों के कारण चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे। मेघों के कारण? मैं अभी देख कर आता हूँ। राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। माँ के लिए चंद्र की खोज हनुमत भर कर मन में ओज, मेघहीन करते हैं नभ को चंद्र तरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा माँ का ध्यान प्रतिपल रखते हैं हनुमान, ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन हर्ष विकल है अंजनी का मन। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हमारा मित्र कैसे मेघों को हटा रहा है। देखिए चंद्रदेव उदित हो गए। ओम चम चंद्राय नमः। माँ के लिए हनुमान कुछ भी कर सकता है। अंजना, पूजा का थाल लेकर आओ और पूजा प्रारंभ करो। चित्रा, स्वामी कुछ असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। स्वामी, आप त्रिदेवों से भेंट करने गए थे ना, क्या हुआ वहाँ? त्रिदेवों ने भी सहायता करने से मना कर दिया। कहते हैं अकाटनीय है शनि की दशा। जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं तो मैं क्यों सारे जगत की चिंता करता रहूं? मैं क्यों अपने प्रकाश से सारे जग को आलोकित करूं? चित्रा, शीत प्रधान है स्वामी, सदैव सौम्य और शांत रहने वाले स्वामी को मैं पहली बार इतनी उग्र रूप में देख रही हूँ। कहीं ये शनि दशा का प्रभाव तो नहीं? अभी तो शनि देव की दृष्टि सिर्फ आंशिक रूप से ही पड़ी है स्वामी पर, न जाने पूर्ण रूप से पड़ेगी तब कैसा अनर्थ हो जाएगा। आप शनि देव से क्षमा मांग कर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें।
किंतु मैं क्षमा क्यों मांगू? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनि देव का। हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उसे शक्ति नहीं छीन। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनि देव के प्रकोप से। देव सभा में तनिक विलंब क्या हो गया? शनि देव को मैं दोषी लगने लगा? सब मेरा अपमान होते देखते रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ससुर श्री, त्रिदेव, सबको मुझमें ही दोष दिखाई दे रहा है, जबकि विलंब का कारण क्या था किसी ने नहीं पूछा। आपका दोष कैसे हो सकता है स्वामी? आपने तो सदैव अपनी शीतल रश्मियता से इस संसार को प्रकाश दिया है। केवल इस संसार को ही नहीं तो जड़ी बूटी और वनस्पतियों को भी आपने पुष्ट किया है। जल प्रवाह से लेकर वायु संचालन तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं आप। सारे जगत को सुख पहुंचाते हैं आप। किंतु मेरे सुख के लिए कोई कुछ करने को प्रस्तुत नहीं है। ऐसा नहीं है स्वामी। ऐसा ही है, अन्यथा शनिदेव को रोकने के लिए कोई तो आगे बढ़ सकता था। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। कैसे छा गई? आश्चर्य है, कुछ पल पूर्व तक तो ठीक था चंद्रदेव। ये तो ग्रहण की भांति प्रतीत हो रहा है, किंतु असमय ये ग्रहण कैसा? चंद्रमा का प्रकाश कैसे लुप्त हो गया? वही तो। ये चंद्रदेव क्या करने लग गए? चंद्र शक्ति के कर्षण से ही समुद्र में हिलौरें उठती हैं, जिनसे समीर उत्पन्न होकर संसार में वायु का प्रसार करते हैं। समस्त नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं स्वामी, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन संभव होता है। चंद्रदेव के बिना उनकी पत्नियां भी प्रभावहीन हो जाएगी, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी समस्त संसार। नारायण नारायण, इस अंधकार में तो राक्षसी शक्तियां और भी बलवती हो उठेंगी। चंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, फिर भी ऐसा अंधकार, जबकि ग्रह गोचर के अनुसार चंद्र ग्रहण की ऐसी कोई दशा है ही नहीं। उत्तम,
अति उत्तम सर्वोत्तम। गुरुदेव, ये अंधकार ही तो मसूरों की असीम शक्ति है। मेरे रक्षियोद्धा चंद्रलोक पहुंचते ही होंगे और फिर वो अमृत। रावण है हम। राक्षसों, ये अंधकार शुभ संकेत होगा हमारे लिए। हमारी शक्तियां दोगुनी हो चुकी हैं। अब हमें अमृत लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रदेव से प्रकाश का कम होना और फिर अकस्मात उनका लुप्त हो जाना, ये कोई असामान्य घटना नहीं, ये किसी बड़ी अनिश्चितता का संकेत है। किंतु अब माँ का आज का व्रत कैसे पूर्ण होगा? अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है और जाए, हो सकता है कुछ पल में चंद्रदेव दर्शन दे दें। कोई संकट भी हो सकता है चंद्रदेव पर। कहीं शनि देव का प्रभाव तो नहीं? देवर्षि नारद कह रहे थे कि शनि दशा पड़ने वाली है चंद्रदेव पर। शनि दशा पड़ने वाली है अर्थात अभी समय, कुछ और ही घटित हुआ है। देव सभा में तो केवल मैंने आप पर अपनी आंशिक दृष्टि ही डाली थी चंद्रदेव, किंतु अब आप पर मेरी पड़ने वाली पूर्ण दृष्टि से आपको कोई रक्षित नहीं कर सकता। ये क्या किया आपने स्वामी? संसार से प्रकाश वापस लेकर आपने उचित नहीं किया स्वामी। क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे ज्ञात है देवी। शनिदेव, रोहिणी, चित्रा, शनिदेव चंद्रलोक के निकट आ रहे हैं। अब आप अपनी अन्य 25 बहनों के साथ अमृत की सुरक्षा करें। किंतु आप? मैं अज्ञातवास के लिए जा रहा हूं। जब मैं यहाँ मिलूंगा ही नहीं तो शनिदेव कैसे अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझ पर डाल पाएंगे? किंतु स्वामी, इस प्रकार पलायन करना उचित नहीं, दृढ़ता से सामना कीजिए। नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने में ही भलाई है। अधीश चंद्रदेव तो चंद्रलोक से ही पलायन कर गए। चंद्रदेव देव सभा के दिन ही शनि देव की दृष्टि से आंशिक रूप से ग्रस्त हो गए थे और शनि दशा सबको भटकाती है। घर परिवार से सबको दूर कर देती है। शनि दशा के योग से कोई नहीं बच पाता। माँ, आपने प्रातः काल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, क्या आप इसी प्रकार चंद्रदेव की प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी?
मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। हनुमान, दशा से बचना असंभव। उचित होता कि स्वामी यही रहकर परिस्थिति का सामना करते। स्वामी भले ही हमसे दूर हो गए हैं चित्रा, हम उनके अर्धांगिनी हैं और उनका दायित्व अब हमारा दायित्व है। हाँ रोहिणी, अब अमृत की सुरक्षा हमें ही करनी होगी। यदि महापूर्णिमा तक स्वामी नहीं लौटे और अमृत में उफान आया तो उस स्थिति को भी हमें ही संभालना होगा। ऐसे ही अवसरों पर असुरों की दृष्टि टिकी रहती है चित्रा, हमें पूर्णतया सावधान रहना होगा। जाने क्या हुआ है चंद्रलोक में, कोई संकट होगा तो उसका शीघ्र ही हल निकालना होगा। अन्न जल ग्रहण किए बिना कब तक रहेंगी मेरी माँ। फिर चला गया हनुमान, ये भी तो ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वहाँ चंद्रलोक में क्या हो रहा है। कोई बड़ा संकट ना हो। देवों से पाकर वर अभिनंदन, हुए घमंडित दिन कर नंदन। शनि का गर्व हरे अब कौन, देव जगत है इस पर मौन। संकट मोचन अंजनी नंदन, सबका संकट करते मोचन। एक आधार एक बल आस, हनुमत पर सबको विश्वास। चंद्रलोक रोहिणी, ये कैसी हलचल है? चंद्रदेव, कहाँ छुपे हैं आप? चंद्रदेव, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? आ गया हूँ मैं चंद्रलोक के निकट, अब आप मुझसे बच नहीं सकते। आगे आपका वो अभिमान, शीघ्रता से मेरे सामने आ जाइए, अन्यथा मैं शनिदेव इस समूचे चंद्रलोक को चलाकर भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए शनिदेव, शांत हो जाइए। यदि हमारे स्वामी से कुछ भूल हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु इस तरह चंद्रलोक का विनाश करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप तो न्याय के देवता है शनिदेव, आप नहीं चाहेंगे कि चंद्रलोक के विनाश से संसार संकट में पड़ जाए। प्रणाम दक्ष पुत्रियों, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इतना बता दें कि चंद्रदेव कहाँ है। इसे तो हम भी अनभिज्ञ हैं शनिदेव, हम मात्र इतना जानते हैं कि स्वामी चंद्रलोक में नहीं है। चंद्रदेव, आप मुझसे नहीं छुप सकते, ढूंढ ही लूंगा मैं आपको। कोई विशेष संदेश है तो कहिए। प्रणाम, देखता हूं मैं भी कि कहां जाते हैं आप मेरी दृष्टि से बचकर। मेरी शनि दशा से आज तक कोई नहीं बचा, ये तो आपको भी ज्ञात है ना। रक्ष योद्धाओं, हमें अपनी गति और तीव्र करनी होगी।
जा रहा है चंद्रलोक की ओर। सावधान हो जाओ रक्षकों, आगंतुक कोई असुर भी हो सकता है। प्रणाम माताओं, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ। मुझे चंद्रदेव से भेंट करनी है। हनुमान, संकट मोचन अंजनेय हनुमान। हाँ माता, चंद्रदेव कहीं गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रलोक में अंधकार क्यों है? पुत्र हनुमान, शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर। पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है। शनिदेव ने पूर्ण दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर, तो माँ का उपवास कैसे पूर्ण होगा?